हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन रणवीर दीदीमन। सीटेट पेपर वन का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में हम हिंदी के आंसर देखेंगे, कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही लगाकर आए हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर मुझे किसी स्टूडेंट का जो है वो मिला है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान से सारी चीजें देखने के बाद मैं आप लोगों को आंसर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप मैच कर लें। भाषा वन हिंदी, सबसे पहला क्वेश्चन है, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए। तो मिलान करने वाला था सबसे पहला। तो यहाँ पर तरीके लिखे हैं और यहाँ पर लिखा है क्या करना चाहिए। तो फटाफट से जो है वो आप अपने आंसर जो है मैच करें कि ए जो अनुमान है इसका जो सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो आपने पांच अगर लगाया है, फाइव ऑप्शन अगर फाइव लगाया है, तो आपका सही आंसर है पाठ्य सामग्री किस बारे में है ये जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड जो था निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष निकालना जो है यह आपका मिलान करेगा, लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। थर्ड है संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, तो इसका जो होगा संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, तो यहाँ होगा कि अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है गहन अध्ययन, गहन का मतलब होता है गहरा ध्यान से जो है, ठीक है। तो इसके सामने ही इसका ऑप्शन है, बिल्कुल पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लास्ट है पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ने से लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, यहां देखिए एक जो है वो आप लोगों को कीवर्ड जो है वो पकड़ लेना था, उसी से आपके सही उत्तर जो है वो आ जाता। तो ई का जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड, शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, फटाफट से देखेंगे। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसका अर्थ जो है ये जो उदाहरण है किससे मेल खाएगा, स्वनिरीक्षण से मेल खाएगा, ठीक है, यानी कि खुद का निरीक्षण करना। नेक्स्ट है कक्षा दो, छोटी क्लास है कक्षा दो, इसके विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं, अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है। तो समग्र भौतिक प्रक्रिया प्रतिक्रिया जो है वो करके वो दिखा रही है। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर पांच प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं, वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो यह कथन किसका जो है वो यह किसका उदाहरण है, तो यह सहपाठी जो है वो आकलन है, क्योंकि यहां पर जो है वो क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर पांच प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपस में कर रहे हैं, तो वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली कर रहे हैं, तो ये सहपाठी आकलन हो गया। नेक्स्ट देखें 95 क्वेश्चन, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है, जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती हूँ। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की जो है वो पहचान कीजिए। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। नेक्स्ट देखें, आई होप सभी जो है आंसर आप लोगों के सही जा रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक कहता है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ए लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन बी इसका जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही, ऑप्शन वन सही रहेगा, यानी ए जो है वो लाइन सही है, कथन सही है, बट उसका तर्क जो है वो गलत कहा गया है। कक्षा पांच का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक दो वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य है कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का उपयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको उपयोगितावादी गुण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखें, एक माने इस बात की ओर, 98 क्वेश्चन है, एक माने अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये अलग क्वेश्चन नंबर है तो आप देख लें, बाकी जो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 98 क्वेश्चन नंबर है। एक माने इस बात की ओर ध्यान दिया कि अपनी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क यानी बड़े से सुने, ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार आसपास के परिवेश से ही जो है वो भाषा सीखते हैं। तो उनका यह मत किससे प्रतिनिधित्व मेल खाना होता है, तो यह रचनावाद यानी कि खुद की क्रिएटिविटी है उस बच्चे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें,
जिसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट देखें 100 क्वेश्चन। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकें और कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से जो है उसके बाद जो है वो पुस्तकें और नए विचारों से परिचित करवाती है। तो बच्चे भी जो इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस टेक्निक को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे समभाषिक पठन कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो मुझे थोड़ा सा डाउट जो है वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल पठन जो है ये भी हो सकता है, बट मैं सबसे जो है ऊपर इस ऑप्शन को रखूंगी, समभाषिक पठन को। नेक्स्ट देखें, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे स्वनिम वर्ण से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने वाले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। तो इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इसको सबसे पहले स्वनिम, ठीक है, उसके बाद जो है समग्र रूप से जो है स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो इसका अर्थ जो है वो बॉटम अप होगा। इंग्लिश में जो है ये दे दिया, इसलिए जो है बहुत आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना और उसके बाद जो है सीखने की जो योग्यता है वो मंद पड़ जाती है, ठीक है। अब ये चीज तो बिल्कुल गलत इन्होंने कह दी है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना तो मंद नहीं पड़ती है बल्कि स्पीड बढ़ जाती है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता मंद नहीं रहती है। तो इसमें जो है ए तो गलत ही होगा और आर जो है इसका तर्क जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन थ्री जो है बिल्कुल सही है, जहां ऑप्शन ए गलत परंतु आर सही। नेक्स्ट देखिए 106, कविता का मुख्य स्वर है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा स्त्री शक्ति है। कविता आपने पढ़ी होगी। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है, स्त्री की भूमिका जो है वो संज्ञान योग्य है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पर गौरव, सबला, नीव सबका प्रयोग किया गया, अबला का प्रयोग नहीं किया गया है, इस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन टू सही होगा। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव किस कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो जो आपने लाइन पढ़ी है, युग निर्माण तुम्हें करना है, ठीक है, तो निर्माण शब्द जो है इसमें भी आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा। इसमें जो है इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जननी हो संपूर्ण जगत की, यहां पर भी थोड़ा सा जो है वो आ रहा है कि ये जो है ऑप्शन हो सकता था, लेकिन युग निर्माण तुम्हें करना है ये लाइन भी जो है वो कविता में बिल्कुल सही दी गई है, जिससे ये अर्थ निकलता है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव जो है इस लाइन में है, ठीक है, तो ऑप्शन थ्री जो है इसको सही रखेंगे। नेक्स्ट देखें, कविता के अनुसार स्त्री को जननी के रूप में ही रहना होगा। तो यहाँ पर तो एक ही शब्द जैसे ही आता है आप ऑप्शन में जब देख लेते हैं तो इनको पहले से ही जो है वो बिल्कुल हटा दें, ये आपके आंसर नहीं हो सकते। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, गौरव गान करते रहना होगा, तो ये तो गलत हो गया, इसका आंसर होगा टू, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक नहीं है, रूपक नहीं है, उपमा भी नहीं है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखें, यहां पर है 112 से 120 तक क्वेश्चन है, जिसमें पूरा जो है पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना था, उसके बाद आंसर देना था। तो 112 है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो यहाँ पर जो है संस्कृति, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे क्या तात्पर्य है? तो अज्ञानता के कारण जो है वो बुराइयां फैलती हैं। सुख दुख का कारण क्या है? तो हमारे जो कर्म ही है सुख दुख का कारण, पैराग्राफ में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार प्राश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो मानव को दुख भोगना, सुख भोगना, सफाई करना नहीं, पुरुषार्थ, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इससे क्या तात्पर्य है? कि मन से बुरे भाव जो है उनको निकाल दें, तो मन की कोठरी अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगी। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईर्ष्या से ऊपर उठना। नेक्स्ट है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ का विलोम जो है वो परोपकार नहीं, स्वार्थ परायण नहीं, निस्वार्थ होगा, यानी कि इसके आगे जो है वो आपको नहीं लगाना था और इसका आंसर जो है वो सही होता। मानवीय शब्दों में प्रत्यय है, तो मानव में ई शब्द ई लगा और बन गया मानवीय। कौन सा शब्द युग्म समूह से अलग है? तो यहाँ पर देखें ये सब इसके अपोजिट है, ज्ञान का ज्ञान, शुद्ध का शुद्ध, सुख का दुख, लेकिन अंधकार अंधेरा, ये जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, तो इसका सही आंसर यही होगा जो कि तीनों ऑप्शन से अलग है। तो ये आपके जो है वो हिंदी के प्रश्न थे। आपके कितने सही गए हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लिखिएगा कि आप हिंदी के कितने जो है वो क्वेश्चन के सही आंसर करके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन को हल करेंगे। थैंक यू।